कांच में जज्ब हो जैसे पर छाइयां, हाँ ये दो जिस्म एक जान होने लगे, हाँ होने लगे। वॉशरूम में मेरे अंडरगार्मेंट्स रखे हैं, प्लीज उन्हें साफ कर दो। पागल से रखा है क्या यार? वो बता रही थी उसका जो जीजा है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा करोड़पति है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। दीदी मैं तो बस यही पूछ रही थी कि आप लोग हफ्ते में कितनी बार सेक्स करते हो। तो इसमें क्या बड़ी बात है, बता देते ना। हाय जीजू, देख ले ये कहीं शालिनी ना दिल्ली जाके कोई अमीर बंदे से शादी ना कर ले। साली भी तो आधी घर वाली ही होती है ना। वैसे मैं ऐसे पहली बार देख रही हूँ कि किसी बिल्ली के सामने कटोरी भर के दूध रखा है और वो पी नहीं रही है। हाँ सनम, हाँ सनम, सब्र टूटा सनम, मैं भी हद से बढूं, ऐसी बात आ गई। अब वो वादा निभाने की रात आ गई। बड़ी चार्ज ले किया, रहना पड़ता है। साइड पर चले। अरे मूड नहीं है। अरे ऐसे कैसे मूड नहीं है? एक बार कह दिया तो कह दिया, पहली बार दिल दिया, दिल तुझको ही दिया। मैं प्रिया दीदी को इस बार में कभी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आप भी मैं को कभी कुछ नहीं बताएंगे। ऐसा क्या कहें अब किसी से, किस्सा तमाम हो गया, औरों से करूं क्यों शिकायत, कोई अपना ही अंजाम दे गया। शालिनी को मैं दिल्ली में ही दिल दे बैठा था। चाहते क्या हो तुम? सिर्फ 5 करोड़। तुम्हारे बॉयफ्रेंड मैक का फोन था, हरामजादा मुझसे 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। पूरे 10 करोड़ रुपए हैं और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे पास इतना पैसा है तो हमें जल्द से जल्द शादी करके यहाँ से भाग जाना चाहिए।